तुम्हारे मालिक की दुकान के बारे में बकवास तूने छापी? हाँ मैंने छापी। ऐ तो सुन बे, कल के अखबार में ये छापना के जो आज छापा था वो सब कुछ गलत था। अगर न छापू तो कल का अखबार तेरे खून से छपेगा। अबे उल्लू के पट्टे, मैं भारत की आजादी का सिपाही हूँ। जो अंग्रेज पुलिस वालों की मार और गुंडागर्दी से नहीं डरा, वो तुम जैसे शराब बेचने वाले गुंडों से क्या डरेगा? रवि, कौन है ये रवि? मैं हूँ। हेलो, आई सी एनी प्रॉब्लम? जी हाँ, वंदे मातरम प्रेस में चंद गुंडों ने दंगा फसाद शुरू कर दिया है, उसमें आपका बेटा रवि भी शामिल है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कलेक्टर साहब, मैं बताता हूँ। मैंने कब्जा कन्हैया लाल के खिलाफ अपने अखबार में खबर छापी थी, उसने मुझे मारने के लिए गुंडे भेज दिए। वो तो इन मौके पर आपके बेटे ने आकर मेरी जान बचा ली तो मैं बच गया। बहुत अच्छा काम किया बरखुदा। अब घर जाइए, वहां बात होगी। जी डीएसपी साहब। यस सर। आप इन एक एक गुंडे को गिरफ्तार कीजिए और ठीक तरह से राम प्रसाद जी का बयान लीजिए आप। जी अच्छा। ज्यादा चोट तो नहीं आई? जी नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। कुछ अजीब ही उस शख्स का नाम है कब्जा कन्हैया लाल। जी। स्कूल से लगकर ही वो इमारत है जिसके अंदर वो उस दुकान में ये बच्चों को नशावर चीजें ड्रग्स वगैरह बेची जाती है। ये धंधा बंद कराना होगा सब, और एक एक्साइज कमिश्नर की हैसियत से आप इसे बंद करा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये तो हमारा फर्ज है। मैं तो रवि को समझा कर थक गई, कभी वक्त पे घर आता ही नहीं। ओफो मम्मी, अभी इतनी देर कहाँ हुई है? आ जाएंगे भैया? इतनी जल्दी कैसे आएंगे इनके लाडले? सारे शहर की जिम्मेदारी उस बेचारे अकेले के सर के ऊपर है। जब तक उन जिम्मेदारियों से निपट नहीं लेंगे घर आएंगे कैसे? जब आप उसकी उम्र के थे तब देर नहीं करते थे आप? अरे देर न तब करता था ना आप करने की मजाल है। ड्यूटी खत्म करके सीधे ही घर वापस लौटता हूँ। माफ करना, शादी के बाद तो चाबी के गुच्छे की तरह बांध के रख लिया तुमने मुझको पल्लू से। अगर ऐसी ही बात है तो उसे भी किसी के पल्लू से बंधवाइए ना, देर से आना छोड़ देगा। हेलो हेलो अंकल, आप ज्योति को बुला देंगे प्लीज? हाँ हाँ जरूर बुला देंगे, लेकिन तुम कौन हो? राधा तारा सुलक्षणा जयप्रदा, कौन हो तुम? मैं श्रीदेवी बोल रही हूँ। ओहो हो, श्रीदेवी बोल रही हैं? अरे वही छोटी बदन की मोटी काली कलोटी माँ, कैसी है तुम्हारी? मम्मी मम्मी तो ठीक है अंकल, लेकिन आप मम्मी को कैसे जानते हैं?
मैं तुम्हारी मम्मी को इतने करीब से जानता हूँ कि तुम्हारा बाप भी उतना नहीं जानता होगा। अच्छा ठहरो ठहरो, मैं बुलाता हूँ ज्योति को। ज्योति बेटी, तुम्हारा फोन है। मेरे लिए फोन डैडी? हाँ। हेलो श्रीदेवी, हाउ आर यू? कोई श्रीदेवी नहीं बोल रहा है, मैं रवि बोल रहा हूँ। ज्योति भैया, तुम पापा बोल रहे थे किसी श्रीदेवी का फोन है। अच्छा अच्छा, वो सब ठीक है। पहले ये बता, तेरी कोई सहेली का नाम श्रीदेवी है? हाँ बिल्कुल है। उसकी माँ कौन है? तुम्हें उससे मतलब? मुझे उससे कोई मतलब नहीं ज्योति, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बब्बर शेर का श्रीदेवी की माँ के साथ संबंध जरूर है। हो सकता है, पापा कह रहे थे कि जवान में उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। अरे सुन रहे हो ना भैया, लाइन कटने लगी थी। चिल्ला क्यों रही है? अगर माँ ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा ये बता, बब्बर शेर साहब अपने पिंजरे में बंद है या नीचे जंगल, मेरा मतलब है हॉल में टहल रहे हैं? नहीं, खूब डट कर खाना खाया, 5-6 बार शेर की तरह घुर रहा है और फिर फाइल लेकर ऊपर चले गए। इसका मतलब ये है कि नीचे का मैदान साफ है, खाली है। देखो ज्योति, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। मगर मेरे आने से पहले बब्बर शेर नीचे तो नहीं आएगा ना? तुम आ जाओ ना, पर जरा जल्दी आना। माँ ने आज तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, खिचड़ी पुलाव बनाया है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी भैया। वाओ, ये तो सुनकर मेरे मुंह से पानी टपकने लगा है। देखो ज्योति, मैं अभी आता हूँ। ओके बाय। आज मैं इसकी चिकन बिरयानी नहीं, मटन कोरमा बनाऊंगा। पिताजी 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 पिताजी, हम ये मानते हैं कि समाज को आपकी सेवा की सख्त जरूरत है, मगर आप ये क्यों भूलते हैं कि समाज को आपकी सेहत की भी जरूरत है? चलिए खाना खाइए। My name is Anthony Gonzalez. अरे आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। ज्योति, वो बब्बर शेर साहब सो गए हैं क्या? अरे नहीं भी सोए तो क्या, कौन डरता है उनसे? उनके दांतों में इतनी ताकत कहाँ कि ये फौलादी गोश्त चबा सके। उनकी बत्ती सी मकई के दानों की तरह उखड़ कर गिर जाएगी। माँ, अगर वो शेर है तो मैं शेर का बेटा हूँ। गुड मॉर्निंग डैडी, गुड इवनिंग डैडी। आप अभी तक सोए नहीं? कैसे सो जाते, अभी तो अपने हाथों से तुमको चिकन बिरयानी और वो मटर कोरमा, खिचड़ी पुलाव, वो सब खिलाना बाकी है ना? खिचड़ी पुलाव जी। आई एम सॉरी डैड, इसका मतलब फोन पर आप बोल रहे थे? बोल रहा था नहीं, मैं बोल रही थी। वो जो टेलीफोन पर आप समझ रहे थे कि आपकी छोटी बहन है, वो आपकी बहन नहीं थी, वो मैं था। आप थे? जी हाँ। फैंटास्टिक डैड, यू आर ग्रेट डैड। डैड नहीं, डैड एक बात कहूं, अगर आप कलेक्टर की जगह फिल्म एक्टर होते ना, तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री के हीरोज के भजिए बिकवाते। स्टॉप दिस नॉनसेंस, मस्का मत लगाओ मुझको, भजिए बिकवा देते। मैं पहले तुम्हारे पिकौड़े तो तल लूं अच्छी तरह से। इधर आओ मेरे सामने। ये बताओ मुझे, रामप्रसाद क्या जो झगड़ा हो रहा था उसमें टांग अड़ाने के लिए तुम क्यों गए थे? वो रामप्रसाद अंकल का लड़का है ना? हाँ। वो मेरा दोस्त है। कई गुंडे उसके पिताजी को मार रहे थे और मारते ही जा रहे थे, मेरी खोपड़ी घूम गई और मैं टूट पड़ा। तुमको इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारा बाप इस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, कानून का एक अफसर है, और कानून के एक अफसर होने की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी मेरे सारे परिवार पर आयद होती है, तुम पर आयद होती है। और जब तुम उस कानून को अपने हाथ में लेते हो तो उस कानून को तोड़ते हो तुम। आप मुझे गलत समझ रहे हैं डैडी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम जो कहते हो ना उस पर नहीं, जो तुम लोग करते हो उस पर एतराज है। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो रवि, चाहे कोई भी हो, वो रईस हो या कोई मिनिस्टर हो, कोई सरकारी अफसर हो, कोई गुंडा हो, तुम हो या मैं हूं, जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा वो मुजरिम ठहराया जाएगा। जिन कामों से मैं तुम्हें मना करता हूं उनके न करने में तुम्हारा फायदा है, और उनके करने में तुम्हारा इतना भयंकर नुकसान हो सकता है कि जिंदगी भर उसका उपाय नहीं। ये मेरा मशवरा नहीं है बेटे, ये मेरी चेतावनी है। कलेक्टर की धांधली, कलेक्टर की धांधली, कलेक्टर के बेटे को। अरे बोला भूषण नाथ बोले बड़बोले की, भूषण नाथ बड़बोले की। इंस्पेक्टर। यस सर। ये जो उनका लीडर नारे लगा रहा है ना सर, उसे अकेले मेरे पास अंदर भेज दो। यस सर। कलेक्टर के बेटे को। स्टॉप इट।
है ना? कहाँ है? कलेक्टर साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। ऐसा? देखा भूषण के भाषण से कलेक्टर का पूरा कमीशन डर गवा। खैर हम जरा टाक करके आता हूँ, रास्ता छोड़ो। हाँ क्यों महाशय? ये बाहर सब नाटक तमाशा किस लिए हो रहा? नाटक तमाशा नहीं साहेब, हम इलाके का लीडर हूँ। हमारा नाम है भूषण नाथ बड़ बोले। हमने छोकरे लोग को बिना कोई गलती बिना कोई मिस्टेक के उठाई के अंदर पटक दिया है। वो बेचारे पीरेस में अखबार खरीदने को गए थे, वहाँ क्रिकेट बॉल की तरह उनकी पिटाई कर डाली। हम ये जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने को आया हूँ। तुम्हारे इस चेहरे से साफ जाहिर होता है कि लीडर नहीं, किराए के टट्टू हो तुम। हैं? किराए के टट्टू। और बाहर ये जो जिंदा मुर्दाबाद का तमाशा हो रहा है ये तुम्हारा पेशा है, इसी की रोटियां खाते हो तुम। तुम्हारे लड़के उस प्रेस में अखबार खरीदने नहीं गए थे, उस अखबार के एडिटर के खिलाफ दंगा करने गए थे। इसलिए कि वो एडिटर शहर के लुच्चे बदमाश सब गैर कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ बेधड़क लिखता है। अरे तो लिखता होगा, हमसे क्या लेना देना है? हम तो बहुत शरीफ आदमी हूं। और हम कहा है मालूम? RDU मतलब रिक्शा ड्राइवर यूनियन का लीडर हूं। इसके अलावा HGU मतलब हाथ गाड़ी की जो यूनियन है उसका भी लीडर हूं। कोई मामूली आदमी नहीं हूं हम। और तुम जानते हो मैं कौन हूं? अरे कलेक्टर और का हो? हमारे जितने पोरा ठोली थोड़ी ना है तुम्हारे पास। इस जिले का हर दरख्त हर खेत हर रास्ता सड़क पर चलता फिरता हर आदमी तुम जैसा हर उठाई घीरा मेरे पोर्टफोलियो में है, समझे? अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हारी हड्डी पसली बराबर करा के और तुमको उसी लॉकअप में बंद करा दूं जिसमें तुम्हारे ये चेले हैं। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। ये बात मेरे उसूल के खिलाफ है। अलबत्ता मैं तुमको एक मशवरा देता हूं, केन और टंकी जो तुम अपने साथ लेकर आए हो यहां बाहर उसे समेट कर तुम चुपचाप यहां से चले जाओ और इसका दो लफ्जों में मुझे जवाब दो, जाते हो या नहीं। मुड़े क्यों? मैं आपको नमस्कार करना भूल गया था। क्या तुम्हारी धमकियों से डरने के बजाय उसने उल्टा तुम्हारी टांग तोड़ने की धमकी देकर तुझे वहां से भगा दिया? तब तो इस कलेक्टर के बारे में कब्जा को कुछ कब्जे सोचने ही पड़ेंगे। अरे हम एक से एक टार मारने वाला कलेक्टर देखा है। मरिए तो हमको ऐसे धितकार रहा था जैसे लोग मोहल्ले में बीमार खुजली वाले कुत्ते को धितकारते। बहुत अपमान किया हमारा। अरे तुम्हारा तो सिर्फ उसने अपमान ही किया, लेकिन उस कलेक्टर के बच्चे ने तो मेरी दुकान बंद करने का नोटिस ही भेज दिया। अब मैं अपना दुखड़ा किसके पास रहूं? एक बात बताएं? बताओ। आप एक अर्जी लिखो, राजधानी भेजो। ये जो कलेक्टर है सब बिरांडी वालों से रिश्वत लेता है और हम जैसे गरीब शरीफ देसी दारू वालों की दुकान को ताले लगा रहा है। आईडिया में दम है? दम है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि इस आदमी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। देखो ये आदमी इस इलाके में नया नया आया है, इसलिए इसे प्यार के हथियार से मार देना चाहिए। सब मथुरा के कृष्ण कन्हैया की इच्छा है। एक बात बोले साहब? बताओ। ये सब धांधली काय को हो रही है? काय को? अपने इलाके का MLA मर गवा है। अब नए MLA के लिए बहन इलेक्शन नहीं हुआ है। नहीं, कौन सा भाई इलेक्शन? हाँ भाई इलेक्शन नहीं हुआ तभी धांधली हो रही है। देखो जल्दबाजी मत करो भूषण नाथ, मुझे फिर इन्फॉर्मेशन मिला है कि इस बार इस इलाके में बाय इलेक्शन हो रहा है और पार्टी तुम लोगों की बिरादरी में से किसी को सीट देने की सोच रही है और मैंने फैसला किया है कि ये सीट MLA की तुमको ही मिलनी चाहिए। अरे भगवान, अरे प्रभु, अरे मालिक, अरे अरे इलो इलो, अरे आप विश्वास करें कि नहीं करें, हम पिछले एक हफ्ते से हर रात सपने में असेंबली देख रहा हूँ। बस एक बार अंदर जाने का चांस मिल जाए, सुबह MLA बनने के बाद शाम को कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ। पर एक बार हमको MLA बना दीजिए। MLA बना दूंगा। राजनीति का रूट भी दिखा दूंगा। सब मुंबई के सिद्धि विनायक की इच्छा है। पी डालिए, सब दारू पी डालिए, मगर इस गरीब को असेंबली में फेंक डालिए। सुना है कल प्रेस में तुम्हारे भैया ने गुंडों की खूब पिटाई की? हाँ। अरे मर्द हो तो ऐसा। अगर तुम्हें मेरे भैया जैसे मर्द की तलाश है तो फिर तुम्हारे लिए अपने भैया से बात करूं। शट अप।
बदतमीजी है? अरे ये बदतमीजी नहीं है जाने मन, ये तो जवानी की मस्ती का नशा है। यस। अच्छा तुम लोगों ने जो एरो मारे हैं ना, इसके बदले अगर मैं ये डिब्बा मारूं तो तुम्हारा चेहरा चटनी की तरह चपटा हो जाएगा। प्लीज मारो ना, मारो ना। मुझे खूबसूरत लड़की की मार एकदम आइसक्रीम की तरह लगती है, प्लीज मुझे मारो ना। तो खाओ आइसक्रीम। आई एम सॉरी। इट्स ओके, आपने तो फूलों की बरसात करवा दी, और फूलों की चोट बड़ी नाजुक होती है। कि मैं अंदर आ सकता हूं? शुक्रिया शुक्रिया। बोलो क्या बात है? मेरी विनती तो सिर्फ ये है कि वो जो आपने मेरी दुकानें बंद कराने का नोटिस भेज दिया है ना, उसे बदल कर मेरी दुकानें ना बंद कराने की मेरी अर्जी जो है वो पास करवा दीजिए, बाकी हम आपस में पटा लेंगे। मतलब? मतलब ये कि मैं आपकी कलम में स्याही भर दूंगा, आप कागज पर दस्तखत कर दीजिए और मैं उस कागज पर वजन रख दूंगा। वजन? अरे ऐसा वजन दिखाऊंगा कलेक्टर साहब कि आप खुश हो जाएंगे। ये देखिए देखिए, देख रहे ना आप? देखिए। आपने सोच में डाल दिया कन्हैया लाल जी। हाँ देखिए। इस वजन को तो तोलना पड़ेगा। मैं जाके इसके लिए खास तराजू लेकर आता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हैसियत से मैं तुम्हें रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। अरे साहब, लेकिन मैंने आपको रिश्वत दी कब है? हैं? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने आपको रिश्वत दी है? वो रुपए जो उस टेबल पर रखे हैं वो तुम्हारे हैं या नहीं? अरे बिल्कुल नहीं कलेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो तो मैंने। यस मिस्टर चंद्रशेखर, चीफ मिनिस्टर के फ्लड रिलीफ में कलेक्ट्रेट की तरफ से ये रुपया जमा करा दे। ओके सिंगो नाउ, थैंक यू। अरे कलेक्टर साहब, मेरे 50,000 रुपए। ये तो तुम्हारे नहीं है भाई, ये है। नहीं नहीं, नहीं ये 50,000 रुपए तो चले गए, लेकिन मेरी हथकड़ी तो खोल दीजिए। ये मैं नहीं खोल सकता। तुम एक काम करो, कोई 150 रुपए लेकर किसी लोहार के पास जाओ और उससे हथकड़ी जो है तोड़वा लो। हथकड़ी तोड़वाने के लिए कलेक्टर साहब मैं लोहार के पास जाऊंगा तो लोग देखेंगे, लोग देखेंगे तो बेइज्जती होगी। मेरी इज्जत बचाइए कलेक्टर साहब, मेरी इज्जत बचाइए, ये हथकड़ी खुलवाइए। खुलवाइए तो आज के लिए हम तुम्हारी उस इज्जत पर पर्दा डालेंगे, लेकिन आइंदा के लिए सबक याद रखना। नाउ गेट आउट, गेट आउट। ऐसा कलेक्टर तुमको मसाला डोसा खिलाया? हमको तो खाली डोसा खिलाया था। तो फिर इतनी बड़ाई मानने की क्या जरूरत थी झूठ बोलना? क्या तुम्हारी इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, दिल्ली तक पहचान है? और हमसे तुम वादा किया था कि तुम हमको एमएलए की सीट दिलवाओगे, कहां है वो सीट? अपोजिशन वाले तमाम बड़बड़ के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हम इलेक्शन के पुराने वोट की तरह फटे हुए पड़े। एक बार हमको एमएलए बनाई दो, फिर देखो उस कलेक्टर को सड़े हुए टमाटर की तरह निचोड़ के नहीं रख दिया तो हमारा नाम भूषणनाथ बड़बोले नहीं। हेलो, राजधानी से फोन है, राजधानी से। हेलो राजधानी जी, जी जी मैं भूषणनाथ, मेरा मतलब है मैं कब्जा कन्हैया लाल बोल रहा हूँ। क्या का पार्टी शक्ति का आपका फोन है जी? नमस्ते नमस्ते जी। हाँ मैं कह रहा था कि आपके बाय इलेक्शन में अपने भूषणनाथ भड़बोले को ही सीट मिलनी चाहिए जी। क्या का खर्चे की चिंता मत करिए आप। हाँ उसके लिए तो हम ब्लैक में भी टिकट लेने को राजी हैं जी। क्या का सीट कंफर्म्ड, टिकट पक्की, तो मैं उसे वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने को कह दूं जी? क्या का कह दूं? अरे पार्टी शक्ति साहब, आपका मैं एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लो भाई भूषणनाथ, तेरी सीट पक्की हो गई। अरे तेरे को ये क्या हो गया? मेरे को इलेक्शन के झटके आ रहे हैं। अच्छा ड्रामेबाजी बंद कर, मैं सब समझता हूँ। प्रकाश, इसके इलेक्शन की कामयाबी की तैयारियां शुरू कर दो। डैड, हम किस निशान से नारे लगाएं? हम बताते हैं सर, अपने लेवल के हिसाब से कैंची निशान अच्छा रहेगा, क्योंकि इस देश के नेता फिटिंग कम और कटिंग ज्यादा करते हैं। माय डैश सिंबल, पिताजी अगर पब्लिक ने आपको वोट नहीं दी तो मैं उनकी डैश चटनी बना दूंगा। आजा प्रकाश। मालिक, नेता बनने के बाद हम इस राष्ट्र को ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे वो तो हम नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि पहले आपकी मूर्ति
फिर हमरी मूर्ति अखबार में पहले आपको पहनाएंगे फिर खुद के डलवाएंगे हार हर चीज में पहले आप फिर हम हाँ सब कुछ आधा आधा सब लंका के रावण की कृपा है। भारती तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम बूढ़ी औरतों की तरह भारती क्यों रखा है? मेरे पिताजी देशभक्त इंसान हैं, उन्हें इस देश से और भारत माता से बहुत प्रेम है, इसलिए मेरा नाम भारती रखा। क्यों, तुम्हें ये नाम पसंद नहीं है? नहीं, पसंद तो है, लेकिन मुझे रति नाम ज्यादा पसंद। क्यों? क्योंकि रति कामदेव की पत्नी का नाम था। अच्छा, तो ये बात है, इस कामदेव को रति की जरूरत है। हाँ, और वो भी अभी इसी वक्त। नहीं। क्यों? वाह वाह, क्या पब्लिक रोमांस हो रहा है, फिल्म की शूटिंग चल रही है? नहीं नहीं नहीं, फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, जंगली जानवरों की शूटिंग चल रही है। शूट करूं क्या? अरे कैलाश, लौंडा बड़ी ऊंचाई पर उड़ रहा है। हाँ भाई, कलेक्टर का बेटा जो ठहरा। अरे हाँ, इसका मतलब है ये खूबसूरत सी लड़की कलेक्टर की बहू बनने वाली है। मगर नहीं, उससे पहले इसके खूबसूरत गुलाबी होठों पे मैं किसकी डैश मारूंगा। ठहरो, अगर तुमने इसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया ना, तो तुम्हारा अगला कदम सीधा शमशान में होगा, समझा? ए, हम यहाँ शमशान जाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि तुझे शमशान पहुंचाने आए हैं। अगर तेरा बाप कलेक्टर है तो मेरे डैश से कल इलेक्शन जीतकर मेरे डैडी मिनिस्टर बन जाएंगे और मैं मिनिस्टर का डैशिंग बेटा। कलेक्टर मिनिस्टर का नौकर होता है, तेरा बाप मेरे डैडी का नौकर है, समझे? कैलाश, अगर तूने मेरे बारे में कुछ कहा तो उसका जवाब जबान से दूंगा, लेकिन अगर मेरे डैडी के बारे में कुछ कहा तो उसका जवाब हाथों से दूंगा, समझा? क्यों, तेरा बाप आसमान से टपका है क्या? कुछ ही दिनों में बच्चू, तेरा कलेक्टर बाप मेरे मिनिस्टर डैडी के पैरों में गिर के उनके जूते चाटेगा।
अनोखापुर निर्वाचन क्षेत्र से श्री भूषणनाथ 12,000 अधिक वोटों से जीत गए। अबे ये क्या, इतने प्यार से तुझे हार पहनाने आए और तुम इनकार कर रहे हो? मालिक, आज मैं आपकी कृपा से मंत्री बना हूँ। शपथ लेने से जो हार मुझे पहनाया गया था, वही हार लेकर मैं आपके चरणों में आया हूँ। क्या वफादारी है, क्या ईमानदारी है! इससे पहले कि तेरे हार के फूल मुरझा कर सूख जाएं, तुम मेरे पैर छूने आए हो, इसी बात पर मैं तुम्हें हार पहनाता हूँ। एक मिनट। अरे अब क्या हुआ? हार। जल्दी करो, जल्दी करो। तो देखो भाई, हम याद रखूंगा कौन कौन हमको हार डाला है और कौन कौन नहीं डाला है। जो डाला है उसकी भी सेवा करूंगा और जो नहीं डाला है उसकी भी करूंगा सेवा। कहे कि सेवा करना तो हमारा पैदाइशी धर्म है। ठीक है, बहुत हो गया, चल अंदर बे। इज्जत के साथ, सम्मान के साथ हमें अंदर चलने की दावत दो। अंदर पधारिए, अब तो अंदर चल बे। तू तू क्या होता है? आप कहिए, हम कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मंत्री हूँ हम। मंत्री महोदय, आप अंदर पधारिए कृपया। ये बात बराबर है, लर्न सम माइनर्स। अबे ये क्या लोगों के सामने सेवा की बात की तूने? तूने नहीं, नहीं मतलब आपने, आपने। और फिर सेवा का इतना ही शौक है तुझे, तो मंत्री बनने की क्या जरूरत थी? सिर्फ सड़क पर झाड़ू के दो चार हाथ फेर देता, खुद ब खुद सेवा हो जाती। साइलेंस, साइलेंस। अब हम मंत्री हूँ, ये काम हम देखूंगा। तुमको क्या चाहिए? भीख मांगो। मांगो भीख। सबसे पहले तो उस कलेक्टर को डिसमिस करा दो, कांटे की तरह हमारे दिल में चुभ रहा है। नामुमकिन। अरे तो फिर कम से कम उसको डिसमिस करा दो भाई। देखो कब्जा जी, अगर हम इस कलेक्टर को एक झटके में नौकरी से निकाल देंगे तो हमारे मन का जो गुस्सा है वो भी एक झटके में मटके की तरह भड़क देनी से फूट जाएगा। क्या करते हैं, इसको इसी शहर में रखते हैं, अंगूठे के नीचे दबा कर रखेंगे और पैरों से मसलते रहेंगे। जैसे जैसे वो रोता रहेगा वैसे वैसे हमारे दिल के छाले फूटते रहेंगे। इसको कहते हैं राजनीति। तेरे दिमाग ने तो बड़ी जल्दी तरक्की कर ली भूषणनाथ बड़बोले। हम तुमको फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि यहाँ कोई भूषण राशन भाषण नहीं है। हमसे गलती हो गई मंत्री महोदय, भोजन के लिए चलिए। मंत्री के तुम हाथ पकड़ते हो, सारी दुनिया पैर पकड़ती हो, तुम हाथ पकड़ते हो, और ये भोजन का होता है? वो डिनर का। डिनर, ये डिनर क्या होता है? वो जो दोपहर में खाना खाते हैं उसको डिनर कहते हैं, और जो रात में खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। पर उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, काहे कि हम प्रेस वालों को अलॉटमेंट दिया हुआ, जाके थोड़ा भाषण देना है। हम भी चलते हैं। नहीं, तुम यही पड़ा रहो, जितना भी देश विदेश से फोन आएगा उसको रिसीविंग करता रहो। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। नमस्ते जी। नमस्ते। सभी प्रेस वालों को हमारा नमस्कार। यह हमारा मंत्री बनने का पहला चांस है, और मंत्री की पदवी संभालने के बाद हम अपने राष्ट्र को ऊपर ले जाएंगे कि नीचे ले जाएंगे, ये जानने के लिए आप लोग बिना पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रहे होंगे और सवालों के बम लेके तैयार होंगे। तो वो बम को हम अपने दम से उड़ाने के लिए तैयार हैं। मारो बम। सर, इलेक्शन से पहले आपने जनता से वादा किया था कि इस इलाके में एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी, वो काम कहां तक पहुंचा है? वो काम कहां तक पहुंचा कलेक्टर साहब? ये काम तो नामुमकिन है मंत्री महोदय। इस विषय में सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड और प्रदेश सरकार ने काफी सोचकर कुछ फैसले किए हैं। हर जिला और हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी कायम करना नामुमकिन है। मेरा मशवरा है कि ये मसला आप भूल जाएं तो बेहतर होगा। भूल जाएं? ऐसे कैसे भूल जाएं? ये कोई अपने परिवार का मामला नहीं है, जनता का मामला है, समाज की आवाज है, इसको कैसे भूल जाएं? आप लोग चिंता नहीं करो, हम खुद ही अपने टेंडर मंगवाएंगे,
अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई देते हैं, तब तक इस बात को जरा अखबार में नहीं छापना। मांगो और मांगो, क्या मांगते हो? आपने वादा किया था कि काशी से गंगा की एक धारा को इस इलाके में लाकर इसे भी दूसरा काशी बना देंगे, वो काम कहां तक पहुंचा? हम वादा किया था? हाँ, वो भाषण में वादा किया था। हाँ, तो वो काम कहां तक पहुंचा कलेक्टर? भाषण दिया था तो सूलन, इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही को देना चाहिए मंत्री महोदय। अरे यार, तुम समझता काहे को नहीं है, वचन दे दिया मतलब दे दिया। हो सकता है इलेक्शन की गर्मा गर्मी में मंत्री महोदय के मुंह से कोई बात निकल गई हो, लेकिन काशी से पाट कर 700 मील दूर गंगा की धारा को इस इलाके में लाने का साधन हुकूमत के पास नहीं है। गंगा तो बहुत दूर की बात है, ये हमारी नाक के नीचे जो इस शहर में गंदे नाले नालियां हैं, अगर आप इनको साफ करा दें मंत्री महोदय तो बड़े पुण्य का काम होगा। तुम घर से नाश्ते में कुछ उल्टा सीधा खा के आयो का? अरे एक भी जवाब ढंग का नहीं दे रहे हो, एक भी जवाब ऐसा नहीं जो पेपर में छापा जा सके या पब्लिक का कलेजा चीर के निकल जाए। ये करिश्मा तो आप ही दिखा सकते हैं सर, क्योंकि जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सर, मैं आपके अपने बारे में एक सवाल पूछूं? हम खुद भी वही चाहते हैं कि हमारे बारे में पूछो, बेफजूल में आप लोग देश और राष्ट्र को बीच में लिए चले आ रहे हैं। हाँ, पूछो हमारे बारे में क्या पूछना है। अक्सर देखा गया है कि मंत्री बनने के बाद पहले लोग मकान बदलते हैं, फिर पार्टी बदलते हैं, मगर आपने अपना नाम बदल दिया, ऐसा क्यों? हाँ, हम अपना नाम बदल के धर्मेंद्र रख दिया। क्या है कि मंत्री की जो गद्दी होती है वो इंद्र की गद्दी के समान होती है, हुआ बैठकर धर्म का काम करना पड़ता है, तो इंद्र की गद्दी काम धर्म का, तो धर्म और इंद्र मिला के धर्मेंद्र हो गया, इसलिए हम अपना नाम धर्मेंद्र रख दिया। ये बात जरा अपने अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में छापना। आपने अपना नाम तो बदल दिया मगर भाषा नहीं बदली। भाषा कैसे बदल देंगे भाई, वो तो हमारी मातृभूमि भाषा है, अर्थात माँ की भाषा, उसको कैसे भूल सकते हैं? चुनाव जीतने के बाद हम जनता को भूल सकते हैं मगर अपनी माँ को नहीं भूल सकते। हम चाहे मुख्यमंत्री बन जाए चाहे कोई मंत्री बन जाए, मगर हर जगह अपनी भाषा इस्तेमाल करेंगे। जी बहुत अच्छा, अब आज्ञा दीजिए भूषण जी। तू कहा भूषण जी, बहुत घटिया नाम है, नाम से मत पुकारो, अब हमारा नाम धर्मेंद्र है। माफ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया था कि आपका पुराना नाम इतना घटिया है। अच्छा जी, नमस्कार। तुमसे जरूरी बात करनी है, फौरन मिलो। क्या देख रहे हो? जहां हम होंगे वहां एक ही कुर्सी होगी और उस कुर्सी पर केवल हम विराजमान रहेंगे। ये कुर्सी बड़ी विचित्र है, कोई भरोसा नहीं ये कब उलट जाए और कब पटखनी खाकर तुम दूर जा पड़ो। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले ऐसा हो चुका है। अच्छा ठीक है, दूर से बात करो, ऊपर कहां चढ़े चले आ रहे हो? पहले बताओ तुम अखबार वालों को उल्टा सीधा जवाब क्यों दिया था? अखबार वालों से मैंने जो भी कहा है वो सच्चाई और कानून के दायरे के अंदर की बात थी। दायरा वायरा हम कुछ नहीं जानते, आज के बाद हमसे जो बात करना वो हमारी हाँ में हाँ मिला के करना बस। पिछले दिनों हम पद यात्रा में पैदल गए थे आगरा, तू वहां के कलेक्टर से हम कहा कि का जमुना के किनारे बेफजूल में ताजमहल खड़ा किया हुआ, बहुत गंदा दिखता है, इसको धक्का मार के शहर में पहुंचा दो, जमुना नदी भी थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। उसने कहा साहब हो जाएगा। उसके बाद हम देहरादून गए, घुमा के कलेक्टर से कहा अरे काहे को बेफजूल में ये बासमती चावल उगा दे, कौन साला खाता है इसको, अरे तमाकू उगाओ, बीड़ी सिगरेट बच्चा लोग पिएगा, सरकार को भी 4 पैसे का फायदा होएगा। उसने कहा साहब हो जाएगा, तो वो सब तो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं और एक तुम हो हर बात में नाना करते रहते हो। हिंदुस्तान में हजारों डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन डिस्ट्रिक्ट का इंतजाम और एडमिनिस्ट्रेशन क्या आप लोगों और कलेक्टरों की हाजी नाजी से हुआ करेगा? तो फिर कैसे होगा? खेतों में बासमती चावल उगाया जाएगा, तंबाकू उगाया जाएगा, इसका ना तो आप फैसला करेंगे ना मैं करूंगा, वो तो किसान ही करेगा। लेकिन ये जमुना के किनारे से ताजमहल को उठाकर ठीक आगरे के बीच में लगा देने का ख्याल जो है, ये आपके रोशन दिमाग में आया कैसे, समझ में नहीं आया। बस आ गया ऐसे ही। माफ करना मंत्री महोदय, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है और ना आप इतने बेवकूफ हैं, ना ही वो कलेक्टर इतना बेवकूफ हो सकता है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। अरे
हम दुनिया को भाषण देते हैं तो फिर उल्टा हमको भाषण देने लगे। देखो हमसे नहीं उलझना, हमने दिमाग का टेम्परेचर बहुत खराब है, हम तुमको ऐसे करके नौकरी से उड़ा दूंगा। हाँ भूलते हो, मेरी मुलाजिमत परमानेंट है। हाँ अगर मैं चाहूं तो इस मुलाजिमत को छोड़कर तुम्हारी तरह सियासत के मैदान में आ सकता हूं, इलेक्शन लड़ सकता हूं, मंत्री बन सकता हूं, मंत्री क्या मैं महामंत्री बन सकता हूं, लेकिन तुम्हारी कुर्सी बहुत टेम्परेरी और कमजोर है मिनिस्टर। तुम जैसे टकसाली मिनिस्टर आजकल आते हैं जाते हैं मौसमी टिड्डों की तरह, आते जाते हैं। माफ करना, बुरा मत मानना, अगर सियासत का ये चोला उतार कर तुम कलेक्टरेट के दफ्तर में आओगे तो तुमको तो वहां चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये हम खाली पीली इस सोए हुए शेर को पत्थर मार के जगाए दिया, कहीं राजनीति के मैदान में आ गया तो अच्छे अच्छे पहलवानों को उठा के पटक देगा तो हम भी काबिज आते। सत्यन, ए सत्यन, वो तो प्रेस में है। अरे मैं तो भूल ही गया, और वो भारती जी का है। बीबी जी बाथरूम में ना रही हैं, आप बैठिए। अच्छा अरे मालिक, नौकर की बेटी के लिए इतनी कीमती चीज क्यों? नौकर की बेटी बोला ये? पिताजी ठीक ही तो कहते हैं ना बाबूजी, अब तू भी बड़ों के बीच में बोलने लग गई। क्यों रे रामू, तुझको हम क्या नौकर समझते हैं? हमारी बेटी ने जो इम्तिहान में कारनामा दिखाया है, पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है। ये साड़ी उसी का इनाम है, पसंद है? बहुत अच्छी है, इसमें तो अपनी बसंती बिल्कुल सरस्वती लगेगी। जा बेटी जरा पहन के तो आ जा। नहीं माँ जी, आज नहीं, कॉलेज में जिस दिन इनाम बांटने का फंक्शन होगा उस दिन बाबूजी के दिए हुए सारे कीमती तोहफे पहनकर जाऊंगी, और इसी साड़ी में इनाम लाकर सबसे पहले आप दोनों के चरणों में रख दूंगी। शिक्षा का बहुत फायदा है, बहुत अच्छी चीज है शिक्षा। पहला फायदा तो यह है कि फजर फजर जो पेपर आता है तो आदमी पढ़ लेता है, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब बच्चे लोग अपने स्कूल चले जाते हैं तो माँ बाप को जरा शांति मिल जाती है, नहीं तो घर में बदमाशी कर करके माँ बाप के नाक में दंग कर देते हैं। और तीसरा शिक्षा का फायदा यह है कि जब स्कूल कॉलेज होता है तो टीचर लोग को नौकरी मिल जाती है। अब जैसे कॉलेज नहीं होता तो ये प्रिंसिपल यहां थोड़ी बैठी होती, बेचारी भूखी मर रही होती कहीं। तो यह फायदा है तालीम का। अब और भी फायदा हम बता सकते हैं, पर क्या हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरी जगह जाना हुआ अपॉइंटमेंट है, तो आप लोग ताली वाली मत बजाइए, अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। सबसे पहला इनाम कुमारी गीता भार्गव, स्पोर्ट्स गर्ल। थैंक यू। और सबसे स्पेशल इनाम पूरे कॉलेज में फर्स्ट आने के लिए कुमारी बसंती को। मेरा हाथ ठहरो बसंती, डिबेट का फर्स्ट प्राइज भी बसंती को। अच्छा। म्यूजिक का फर्स्ट प्राइज भी कुमारी बसंती को। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनाम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की जानब से एक छोटी सी पार्टी रखी गई है। आप साहिबान से गुजारिश है कि इस पार्टी में जरूर शामिल हों। बसंती बेटी बहुत देर हो चुकी है, डिनर हम अटेंड नहीं कर सकेंगे। अच्छा, लेकिन बाबूजी प्रोफेसर शीला ने तो मुझे केटरिंग का इंचार्ज बनाया है, मेहमानों को खाना खिलाना होगा। इतने इनाम देकर वेटर का काम करवाती है तुमसे? मुझे तो देखा नहीं जाएगा, चलिए ना पापा। मुझे तो पहले ही पता था तू भाग जाएगी। मैं गाड़ी भेज दूंगा तुम्हारे लिए। अच्छा चले। अच्छा बाय बाय। लखन, अरे बसंती कहाँ है?
सर वो बसंती तो वहां नहीं मिली सर। नहीं मिली? क्या मतलब? मैं तो वहां टाइम पर पहुंच गया था सर, काफी देर इंतजार भी किया, लेकिन जाने कहां गायब हो गई वो। क्या मतलब गायब हो गई? तूने उसे ठीक से ढूंढा भी? क्या हुआ मेरी बेटी को, कहां गई वो? तुम चिंता मत करो रामू, मैं खुद जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूं। साफ जाहिर है कि लड़की का रेप करने के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। आइए सर, कातिल लाश को इस कुएं में फेंककर फरार हो गया। लोग कानून के अफसर हैं, आपका हाथ किसने पकड़ा? आप तलाश करें, ढूंढें उन वैश्य दरिंदों को जिन्होंने उस मासूम बच्ची की असमत दरी की, जिन्होंने उसका खून किया है। खून? अगर देश की हिफाजत करनी है और अपने बच्चों को बचाना है तो इन पापियों का सर्वनाश करना होगा। जो जुर्म करते हैं घिनामने से घिनामना, लेकिन इस चालाकी के साथ कानून की गिरफ्त में ना। शर्मा जी। यस सर। यह कब्जा कन्हैया लाल की इमारत को गिरा देने का ऑर्डर। अरे ठीक है यार, हुई गवाह, हम नशे में थे, जरा लवलापाटा कर लिया। अरे मगर तोरे गुंडे किस काम के हैं साले, बेवकूफ गधे नालायक हैं? उनको चाहिए था कि लाश को ले जाकर कहीं दफन कर देते, या फिर उसका टुकड़ा बना के मछली को खिला देते, तो ले जाकर खुले कुएं में फेंक दिया और वो लाश हमारे जुनम के दुश्मन कलेक्टर के हाथ में लग गई। अरे तुम तो मंत्री हो, झूठ बोलकर चक्कर चलाकर बच जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा? उसने मेरी बिल्डिंग को गिरा देने का ऑर्डर पास करवा दिया है। अरे ऐसे बहुत पास को हम ना पास किया है, ये किसी सरकार का तख्ता नहीं जो 24 घंटे में पलट सकता है। ईंट पत्थर की बिल्डिंग है, इसको गिराना बहुत मुश्किल काम है। एक काम करो, राजधानी चलने की तैयारी करो, हुआ चल के बिल्डिंग ना गिराई जाए इसका हम तुमको स्टे ऑर्डर दिलाए देते हैं, और उस रात को हम यहाँ नहीं थे इसका जरा चक्कर चलाई लेते हैं। स्टे ऑर्डर क्या बात करते हैं शर्मा जी? कब्जा कन्हैया लाल बिल्डिंग गिराने के खिलाफ कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने गया है, शाम तक वापस आ जाएगा सर। शाम तो भी बहुत दूर है, जब तक कि अदालत की मोहर लगे हुए स्टे ऑर्डर के कागजात यहाँ पे आएंगे तब तक हमारे हुक्म की तामील होगी और वो बिल्डिंग उसकी हर दीवार गिरा दी जाएगी। तुम जा सकते हो। ओके सर। डैडी, कानून को तोड़ने के लिए जो लोग कानून का ही सहारा लेते हैं, कानून के पास उनका कोई इलाज है या नहीं? देर है, अंधेर नहीं है कानून की दुनिया में। जल्दी चलो ड्राइवर। सेठ जी, आप जिस काम से गए थे वो काम हो गया ना? साहब, ज्वाला जी वाली माता की इच्छा है। और सुनो, दुकानें गिराने मजदूर तो नहीं आए ना? शायद नहीं है सर। जल्दी चलो। ठीक है सर। अरे ये तुम कहां ले जा रहे हो मुझको? जहां ले जाना चाहिए। अरे अबे उस तरफ नहीं, इस तरफ। लेकिन इस तरफ ले किधर जा रहे हो भाई? तेरी दावत करनी है कब्जा। चल चल चल। अरे लेकिन मुझको इशारी क्यों बना दी तुम लोगों ने? रवि, ये बिल्कुल लखनऊ की मुन्नी भाई लग रही है ना? अरे ऑटो मुझको शर्म आती है। तो ठीक है, शाम तक यही शर्माती रहो, समझे? नहीं नहीं, मुझे जाना नहीं तो मेरी दुकान गिरा दी। अरे यही तो हम चाहते हैं। अरे हमारा मकसद भी तो यही है। अरे रहो यही मुन्नी भाई। अरे क्या? अरे रुको। Thank you.
ये बताओ तुम स्टे ऑर्डर को ठोकर मार के ये कन्हैयालाल की बिल्डिंग कहां गिरा दिया? मुझे कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला। अरे मिलता कैसे जबकि स्टे ऑर्डर तो मेरे हाथ में था और फिर तुमने अपने बेटे को भिजवाकर मुझे एयरपोर्ट से अगवा करवा लिया और फिर उसने मुझे वो वंदे मातरम प्रेस में ले जाकर मेरी ऐसी गत बनवाई और मुझे कैद करवा दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे बेटे ने खुद मुझे कहा था और मैंने अपने कानों से सुना था कि मकान के गिरने तक मुझे कैद में रखा जाएगा और तुम्हारे बेटे ने मुझे कैद में रखा था। तुम्हारे मकान के गिरने से मेरे बेटे का क्या ताल्लुक? क्या ताल्लुक? अरे तुम क्या समझते हो हम इतने गधे हैं? हम नहीं समझते कि बाप बेटे की मिली भगत है? जगत प्रताप तुम अपने अधिकार का बहुत गलत फायदा उठाया। अपने अधिकार का मैंने कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया और जहां तक इनका ताल्लुक है मैं कह चुका हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। तुमको मालूम है कि नहीं मालूम? हमको कुछ नहीं मालूम है। हम खाली इतना जानते हैं कि तुम कसूरवार हो और कसूरवार को अपने किए की सजा मिल के रहेगी। तुमने इतनी चालाकी से सांप मारा कि लाठी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे तुम जैसे मनमानी करने वाले ऑफिसर तो देश के माथे पर कलंक है। वो कितना शरीफ और महान इंसान है तुमको मालूम है? तुम ऐसे शरीफ इंसान का घर गिरा दिया वो भी अपने बेटे के हाथ। मेरे बेटे का नाम डालो ये सब बात गलत। क्या गलत है? तुम हियर का दलील पेश कर रहे हो। जाए के अपने बेटे से पूछो। जाओ पूछो, हिम्मत है? खड़े खड़े हियां दलील पेश करता है। अरे हमको भी मालूम है तुम जैसे आदमी का घर कैसे बर्बाद किया जाता है। जाओ जी। हाँ मैंने किया। आप ही ने तो कहा था डैडी कि सच्चाई और इंसाफ के बीच एक सीधी बालसी भी बारीक लकीर है। जब मैंने देखा कि वो बेईमान लोग एक गलत मकसद के लिए उस लकीर को पार कर रहे हैं तो तंग आकर मैंने भी उस लकीर को पार किया। लेकिन उस लकीर को पार करने की जरूरत? अगर मैं वो लकीर पार नहीं करता डैडी तो आप उस पाप के घर को गिरा सकते थे? उस बिल्डिंग को गिराना क्या इंसाफ नहीं है? अगर आपका कानून इंसाफ के रास्ते रोकने की कोशिश करता है तो फिर क्या जरूरत है ऐसे कानून की? जिस मकसद को मैं इंसाफ मानता हूं डैडी, मैंने उसी को जीत दिलाई है। तुम्हारी ये जीत मेरे लिए एक शर्मनाक हार साबित हुई रवि। एक जलील और नीच आदमी के सामने मुझे अपने उठे हुए सर को झुकाना पड़ा। अपनी जहरीली जबान से मुझ पर वो अंगारे बरसाता रहा और मैं खामोश खड़ा सुनता रहा। मुझ पर इल्जाम है कि तुमने कन्हैया लाल का अगवा जो किया, उसको औरतों के कपड़े पहनाकर तुमने जो जलील किया, उसके स्टे ऑर्डर को जो तुमने फाड़ा, वो मेरी मर्जी से किया सब। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हैसियत से वो मुझे तुम्हारे इस जुर्म में बराबर का शरीक समझते हैं। अगर वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं डैडी तो उनसे कह दीजिए कि वो साबित कर दे कि मैंने कोई गैर कानूनी काम किया है। कोई जरूरी नहीं है। एक कलेक्टर की हैसियत से मैं खुद तुम्हें मुजरिम करार दे सकता हूं। तुम्हारा मकसद चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, तुम्हारा तरीकाकार बिल्कुल गलत है। तुमने कन्हैया लाल का एयरपोर्ट से अगवा नहीं किया? जी नहीं, वो मैं नहीं था। तुमने कोर्ट का स्टे ऑर्डर उससे छीन कर फाड़ नहीं दिया? जी नहीं, मैंने नहीं फाड़ा। रवि, तुमने कब्जा कन्हैया लाल को जबरदस्ती औरतों के कपड़े पहनाए, उसको साड़ी पहनाई, उसके हाथों में तुमने चूड़ियां पहनाई, उसको जलील नहीं किया तुमने? जी नहीं डैडी, वो मैं नहीं था। समझ गया मैं, खूब चालाक हो गए हो तुम रवि। लेकिन ये खेल जो तुम मेरे साथ खेल रहे हो ये हजारों साल पुराना खेल है और इस खेल में एक से एक चालाक और खतरनाक आदमी भरे पड़े हैं इस दुनिया में जो खेल खेल में सामने वाले की जान तक निकाल लेते हैं लेकिन आखिरकार खुद अपने ही जाल में उलझ कर खत्म हो जाते हैं। वो हमें चेतावनी है बेटे, तुम इस खेल से दूर रहो। इस पाप सागर में भला के शातिर और जहीन इंसान ही बच सकते हैं, वो होते बहुत कम है। जैसे कि बेखरा समंदर में नमक, नमक जो पानी को खारा तो कर देता है लेकिन खुद अपना वजूद खो देता है, उसका नामो निशान तक मिट जाता है। इसलिए रवि मेरी बात सुनो, जिंदगी का रास्ता चाहे कितना ही दुश्वार सही, कठिन सही, मंजिल दूर सही, लेकिन नेक इंसान जो है वो सीधी राह चलेगा क्योंकि यही है इंसानियत का सिद्धांत। हाय। अरे ओ हाय, जल्दी से दरवाजा बंद कर। हाय हाय कर रही है, क्या औरत है? इतने डर क्यों रहे हैं? हम मछली विभाग के मंत्री हैं ना, इसलिए मछली पकड़ने आए हैं। ये क्या है?
लगता है को फोटो उतार लिया। ये तो प्रिंस रिपोर्टर का बेटा है साला, फोटो उतार लिया। अरे मर गए अब। अरे अरे ठहरे, भाग गया साला। अब क्या करें? अरे चलो तुम भी भागो यहां से, चलो जा। हेलो। अरे हम बोल रहे हैं भाई, हम यहाँ गेस्ट हाउस में एक लड़की के साथ जरा लव लपाटा कर रहे थे, तो वो वंदे मातरम अखबार की जो रिपोर्टर ना उसका बेटा, वो साला हमारा फोटो ले लिया। ऐसा? अब कुछ भी करके वो फोटो मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए उसकी जाने लेने क्यों ना पड़ जाए। ओफो, आप बेवकूफ, मेरा मतलब आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी इसका इंतजाम करवाता हूँ। हाँ हेलो। हेलो रवि, मैं सत्यन बोल रहा हूँ। मैंने उस मंत्री भूषण नाथ की एक लड़की के साथ अय्याशी करते हुए तस्वीरें उतार ली है। उसके आदमी किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, तो फौरन यहाँ आ जा। मैं अभी आता हूँ सत्यन। डैडी की फोटो लेता है। सत्यन, सत्यन, सत्यन। सत्यन, यस डॉक्टर, खून बहुत बह गया है। ब्लड बैंक जाकर इस ग्रुप का खून फौरन लेके आओ, वरना पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल है। ओके। मुझे इस ग्रुप का खून चाहिए डॉक्टर, जल्दी प्लीज। थैंक यू। अपने दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए खून लेके जा रहे हो, मगर हमारे हाथों से घायल किए वो लोग सिर्फ मर सकते हैं, बच नहीं सकते। अबे घूर घूर के क्या देखता है, हमने ही उसे मारा है। प्लीज मुझे जाने दो, सत्यन आखिरी सांसें गिन रहा है। अगर ये खून उसे वक्त पे नहीं मिला तो वो मर जाएगा। उसे बचाने से पहले तू अपने आप को तो बचा।
तुम यहाँ किस लिए आए हो? घबरा मत कब्जा, सिर्फ मुझे इतना बता दे कि कैलाश और प्रकाश कहाँ हैं। इस आधी रात को तुम्हें उनसे क्या काम है? उन दोनों ने मेरे दोस्त का खून किया है और जब तक मैं उनकी रगों से उनके खून का एक एक कतरा नहीं निचोड़ लेता तब तक मेरे दोस्त की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। तुम पागल हो गए हो क्या? वो भला किसी का खून क्यों करने लगे? देखो तुम चुपचाप यहां से चले जाओ वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। सीधी तरह बता वो दोनों कहां हैं वरना तेरी खोपड़ी तोड़कर तेरा भेजा बाहर कर दूंगा। अरे रुको रुको, अरे क्यों शरीफों को सताते हो? वो बेचारे तो पिछले एक हफ्ते से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पड़े हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल? अरे बाप रे बाप, ये तुम दोनों को जान से मार डालेगा। इसको तो एक ही आदमी रोक सकता है, कलेक्टर। हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, फिर ये तुम्हारे दोस्त का खून कैसे कर सकते हैं? तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर, तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर। आधे घंटे पहले दोनों ने मेरे हाथों से मार खाई थी और अब तुम कहते हो एक हफ्ते से हॉस्पिटल में है। तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर। क्या हुआ? देखिए कलेक्टर साहब, आपका बेटा इन दोनों को मार देना चाहता है। रवि, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? डैडी, इन दोनों ने सत्यन का खून किया है। आप बीमारी का ढोंग रचाकर अस्पताल में पड़े हुए हैं। मैं इन दोनों को जिंदा रहता हूँ। दूर रहो, डोंट बी स्टूपिड रवि, घर चलो। मेरे सर पर खून सवार है डैडी, मैं अपने दोस्त के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंद करो ये खून खराब है। छोड़ दीजिए सर, आप चाहे तो ये केस शीट देख सकते हैं। दोपहर को ही ब्लड बैंक से खून मंगाकर इन्हें खून दिया गया है। ये बीमार बिस्तर से उठकर किसी का खून कैसे कर सकते हैं सर? ये झूठ बोलता है डैडी, ये झूठ बोलता है। अरे कलेक्टर का बेटा है ना भाई, इसीलिए किसी की जान भी ले सकता है। रोकिए बेटे को सर, वरना जान ले लेगा। सुन लिया? सुन लिया, मैं आखिरी बार कहता हूँ, चलो डैडी, चलो डैडी और चलो घर। अब बताओ मुझको, तुम उस जोश और गुस्से में क्या तुम उन लोगों की जान लेना चाहते थे? डैडी वो दोनों खूनी है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो खाते हैं? सबूत मैं हूँ डैडी, मैं। मुझसे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए आपको? सबूत मैं नहीं, अदालत मांगेगी तुमसे। मुझे आपकी उस अदालत की कोई परवाह नहीं। मेरी नहीं है, सारे समाज की अदालत है वो। हजारों साल की सोच और फिक्र के बाद बनी है वो। इंसानियत के बेहतरीन उसूलों पर उसके कानून की बुनियाद रखी गई। यही है वो सिस्टम जो एक इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने से रोकता है, उसके माल और उसकी आबरू पर हाथ डालने से रोकता है। किस बात का सिस्टम डैडी? कौन सा सिस्टम? इस गलत सिस्टम को हम बरसों से देखते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं। एक की सच्ची गवाही को दूसरा झुठलाकर उसे गलत साबित कर देता है। एक के जुर्मों को दूसरा झूठी गवाही देकर उसे बेगुनाह साबित कर देता है। अगर छोटा कोर्ट फांसी की सजा देता है तो बड़ा कोर्ट उसे माफ कर देता है क्योंकि सबूत काफी नहीं थे। ये क्या सिस्टम है डैडी? ऐसा कानून जो ओहदे और वसीले का गुलाम है, जो हर एक इंसान के साथ एक जैसा सलूक नहीं करता, जो इंसान की हैसियत देखकर गिरगिट की तरह रंग बदलता है, वो कानून किसी की रक्षा क्या करेगा डैडी? अगर इंसाफ की आंखों में इतना दम नहीं है कि वो सच की शक्ल पहचान सके तो फिर ऐसे कानून और इंसाफ की क्या जरूरत है डैडी? ये तुम्हारा जुनून और ये तुम्हारी तोड़ फोड़, इससे कुछ नहीं बनेगा। एक बात भी नहीं सुधरने की इससे। कानून की हद से जब भी बाहर कदम रखोगे तुम तो तुम्हारी मिसाल कमान से निकले हुए उस तीर की तरह होगी जो किसी की छाती में भी जाकर गड़ सकता है। तुम्हारी हर बात बात नहीं गाली कहलाएगी और तुम इंसाफ का फरिश्ता कहलाने के बजाय रवि एक बाजारी मुजरिम करार दिए जाओगे। जो असली मुजरिम है आपने उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला डैडी, और मैं जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं आपने अपनी दलीलों से मुझे ही मुजरिम साबित कर दिया। ठीक है डैडी,
अगर ये आपका इंसाफ है तो आज मैं आपके सामने इस इंसाफ और कानून के खिलाफ बगावत का ऐलान करता हूं। मैं तुम्हें एक गलती से रोकने की कोशिश कर रहा था, एक जुर्म से रोकने की कोशिश कर रहा था, और तुम एक जंगली जानवर की तरह चिल्ला रहे थे। तुम चिल्लाते जा रहे थे और आज तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे कहते हो कि तुम उसी कानून और इंसाफ के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हो जिस कानून और इंसाफ की रक्षा करना मेरा अखलाकी फर्ज है। अगर तुम्हारा यही फैसला है रवि, तो मेरा ख्याल है कि बाप बेटे की हैसियत से हम एक घर की छत के नीचे नहीं रह सकते। इसका मतलब यह है डैडी कि आप मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं? कहना चाहता तो नहीं था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। थैंक यू वेरी मच डैडी, थैंक यू वेरी मच। मैं आज इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहा हूं। रवि क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्यों ऐसे कह रहा है? रवि क्यों फुजूल की बहस कर रहा है? चल अपने पिताजी से क्षमा मांग और चल अंदर चल। मां मैं तुमसे और डैडी दोनों से क्षमा मांग लूंगा, लेकिन अब मुझे रुकने के लिए मजबूर मत करना। पागलपन छोड़ रवि, भुला दे ये सब कुछ, चल अंदर चल के खाना खा ले। तेरे इंतजार में मैंने भी कुछ नहीं खाया। मां तुझे मेरे भूखे पेट की फिक्र लगी हुई है और डैडी को मेरे सच्चाई से उठे हुए सर की फिक्र लगी हुई है। ये पेट तो किसी भी तरह भर जाएगा मां, लेकिन ये सर कभी झुकना नहीं चाहिए। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं मां कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, वो हासिल नहीं कर लेता जो मैं चाहता हूं, इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। नहीं रवि, रवि, रवि भैया रुक जाइए, भैया उसे रोकिए ना, वो सचमुच जा रहा है। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। जाने दो इसे लक्ष्मी, ये सफर तुम्हारे बेटे के लिए जरूरी है। ये घर तुमने उसके लिए एक स्वर्ग बना रखा था, बाहर की दुनिया में जाकर ही वो इस स्वर्ग और नर्क में तमीज कर सकेगा और अपनी मंजिल का सही रास्ता मुकर्रर कर पाएगा। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी डैडी, और मैं अपनी मंजिल को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने दोस्त के कातिलों को और उनके साथियों को हमेशा के लिए मिटा दूंगा, लेकिन एक मुजरिम बन के नहीं जिसका आपको डर है। तब तक मैं आपसे और इस घर से दूर रहूंगा। गुड बाय डैडी। भैया रुक जाओ भैया। सर ये बहुत ही रेयर ग्रुप का खून है, हजारों में एक इंसान में होता है, और जिस दिन का आप जिक्र कर रहे हैं उस दिन इस ग्रुप का खून हमारे ब्लड बैंक में था ही नहीं। तो डॉक्टर उसी दिन किसी और अस्पताल से आपको इसी खून के ग्रुप की कोई मांग आई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आई थी, तो आप इस बात को लिखकर हमें सर्टिफाई करके दे सकेंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच। सर शायद किसी ने आपको मेरे बारे में गलत खबर दी है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है सर। हाँ कंफ्यूजन तो जरूर है, और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहां आया हूं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर माथुर है ना? जी हाँ। डॉक्टर माथुर, उस रोज जो खून आपने इन दोनों को दिया था कौन से ब्लड ग्रुप से था? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जी। यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। ओ नेगेटिव ग्रुप आपके पास ब्लड स्टॉक में था आपके हॉस्पिटल में? सर हमारे यहां तो नहीं था। नहीं था तो आपने कहीं से मंगाया? जी। कहां से मंगाया था? सुमति ब्लड बैंक। सुमति ब्लड बैंक, सुमति ब्लड बैंक। सुमति ब्लड बैंक का मेरे पास एक सर्टिफाइड स्टेटमेंट है डॉक्टर माथुर, और उस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि उस दिन न तो उनके पास ओ नेगेटिव स्टॉक में था और ना ही किसी ने ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की उनसे मांग की, किसी हॉस्पिटल ने उनसे इसकी कोई डिमांड नहीं की। ये जरा आप स्टेटमेंट को देखिए गौर से। सर उसने शायद कहीं और से मंगा। झूठ बकते हो सर, रंगे हाथों पकड़े गए हो माथुर। एक सरकारी डॉक्टर होते हुए तुमने दो खूनी मुजरिमों की सहायता की, तुमने गलत रिपोर्ट्स लिखी और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में तुमने झूठी एंट्रीज की, जबकि हकीकत यह है कि ना तो तुमने दोनों में से किसी को खून दिया और ना उनमें से कोई भी हफ्ता भर इस हॉस्पिटल में पड़ा रहा।
अब एक कलेक्टर की हैसियत से मैं तुम्हें इस जुर्म के लिए इसी वक्त यहाँ खड़े खड़े गिरफ्तार कर सकता हूँ। तुम पर मुकदमा चल सकता है, तुम जेल जा सकते हो और तुम्हारा डॉक्टरी लाइसेंस हमेशा के लिए मनसूख हो सकता है। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मजबूर था, मुझे बचा लीजिए। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं डॉक्टर, तो सच्चाई के चेहरे से झूठ का निकाब नोच कर फेंक देना होगा, बताना होगा कि असली मुजरिम कौन है। बताता हूं सर, इस नीच काम के लिए मुझे मंत्री महोदय और कब्जा का नहीं अलाने मजबूर किया था। डीएसपी साहब। यस सर। डॉक्टर माथुर को आप पुलिस स्टेशन ले जाएं और उनका बयान कलम बंद कर लें। कौन? अरे आप। नमस्ते। नमस्ते, पिताजी तो हॉस्पिटल गए हैं। कोई बात नहीं, आप मेडिकल कॉलेज में सीट के लिए बहुत कोशिश कर रही है ना, दरअसल मैं उसी के बारे में बातचीत करने आया था। थैंक यू। आप कौन से कॉलेज में कोशिश कर रहे हैं? दैट्स अ टॉप सीक्रेट, पर मैं आपके लिए सीट का प्रबंध जरूर कर दूंगा। बदले में आपको भी एक चीज देनी होगी। क्या चीज? एक नाची सी चीज। ये क्या कर रहे हैं? अरे कमाल करती हो। और इंस्पेक्टर? हाँ, तुम्हारे जुल्म का खात्मा करने के लिए मैं इंस्पेक्टर बना। सर, मैंने इसको उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये डॉक्टर की बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। यू रास्कल, तुझे सजा से बचाने के लिए मैंने अपनी नौकरी अपनी जिंदगी खतरे में डाली और तू हरामखोर, तू मेरी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। डीएसपी साहब, इस कमीने को सजा मिलनी चाहिए। इसके मंत्री बाप ने मुझ पर यह जोर दिया कि मैं इसे झूठ मूठ बीमार बनाकर अस्पताल में भर्ती करवा दूं। राजनीति के दबाव में आकर मैं ये नाजायज काम करने पर मजबूर हो गया, लेकिन आज मैं सब कुछ सच बताकर ही रहूंगा। इसके पापों में कब्जा कन्हैया लाल का बेटा भी बराबर का शरीक है, उसे भी गिरफ्तार कर लीजिए डीएसपी साहब। मिस्टर रवि, तुमने आज अपनी ड्यूटी के पहले दिन ही एक बहुत खास मुजरिम को गिरफ्तार किया है, अब जाओ इसके साथी को भी गिरफ्तार करके ले आओ। जाओ, जाकर प्रकाश को चारों तरफ तलाश करो, जाओ। तुम ये क्या हुलिया बना रखा है भाई? तुम्हारा असली हुलिया दुनिया को दिखाने के लिए मैंने ये हुलिया बनाया है कब्जा। उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बच के निकल गए, लेकिन अब तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का बचना नामुमकिन है। बगैर सर्च वारंट के मेरे घर में घुसकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है मिस्टर। शराब! तुम्हारे खरीदे हुए डॉक्टर ने पुलिस के सामने तुम्हारे सारे पोल खोल दिए हैं, इसीलिए तुम जैसे आदमी के घर में दाखिल होने के लिए
जिसने अपने बेटे को छुपा रखा है, सर्च वारंट की कोई जरूरत नहीं, समझे? सत्यन के खून के जुर्म में मैंने कैलाश को तो जेल में बंद कर दिया है, अब तुम्हारे बेटे की बारी है। पता, तूने अपने बेटे को कहां छुपा रखा है? मैंने उसे कहीं नहीं छुपाया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। सर सर, घर में कोई नहीं है सर। कब्जा, अगर तेरा बेटा जहन्नुम में भी छुपा हुआ है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अपने बेटे की मौत की याद में आंसू बहाना शुरू कर दे। क्या रवि इंस्पेक्टर बनकर आवा रहा और हमरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया? साले की इतनी हिम्मत। हम आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, तुम फोन मत करो। अरे फोन मत करो यार। क्या सत्यन को तूने मारा? मुझे नहीं मालूम। तूने ही तो कहा था कि सत्यन की जान तूने ली थी। मैंने नहीं कहा। तेरा बाप भी बताएगा। इंस्पेक्टर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मुलजिम की गिरफ्तारी पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया था, लेकिन उसे हिरासत में लेकर इस बुरी तरह से मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। सर, मुलजिम की जुबान से सच उगलवाने के लिए पुलिस को कभी कभी सख्त रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये जो सलाखों के पीछे तुम उसकी दुर्दशा बना रहे हो, ये कानून के असर का कर्तव्य नहीं, इसके पीछे तुम्हारी वही इंतकाम और बदले की भावना है। कानून का अफसर बनने के बाद तुम्हारा किसी मुलजिम से भी इंतकाम या बदला लेना अपने ओहदे, अपनी वर्दी और अपने फर्ज की तौहीन करना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर कलेक्टर, इतनी मुद्दत बीत गई इन मुलजिमों को गिरफ्तार करने में, डिपार्टमेंट के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर जो काम ना कर सके वो काम मैंने कर दिखाया, और आप मुझे एक अफसर समझकर मेरे किए हुए कारनामे पर मुबारकबाद देने के बजाय उल्टा मुझे ही मुजरिम ठहरा रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जमीर इंसाफ मांगता है, लेकिन इंसाफ भी तरीके से होता है। मुलजिम को मुजरिम अदालत ही करार दे सकती है, वही उसे सजा भी दे सकती है, तुम और मैं नहीं दे सकते। मुझे इस बात का भी एहसास है कि इस भावना से तुम्हारे अंदर इंतकाम के जज्बे को ठंडक तो पहुंचेगी, लेकिन अगर इस बीच उस मुलजिम ने दम तोड़ दिया तो तुम भी साथ एकदम पलट जाएगी। मुकदमा जो उस पर चलना चाहिए वो तुम पे चलेगा। मुजरिम तुम करार दिए जाओगे, तुम, और सजा जो उसको मिलनी चाहिए वो सजा तुम्हें मिलेगी, और फिर उसके बाद उसका कोई उपाय नहीं होगा, कोई नहीं। कुछ सुना आपने? कुछ सुना? हमारा बेटा पुलिस ऑफिसर बनकर वापस इस शहर में आ गया है। क्या इतनी अच्छी खबर सुनाई और आप फूफू किए जा रहे हैं? और आते ही उसने एक बहुत बड़े मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपके पीए ने तो मुझे फोन पर बताया था। इतने दिन बाहर रहा, जाने बेचारे ने कभी कुछ ठीक से खाया भी होगा या नहीं। मैंने उसकी सारी मनपसंद चीजें आज घर में बनाई है। देखो रानी, तुमने उसकी मनपसंद चीजें बनाई हैं, लेकिन वो मनपसंद चीजें खाने तुम्हारे घर आएगा? क्या मतलब, क्यों नहीं आएगा? याद नहीं तुमको, उसने प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा ली थी उसने कि जब तक मैं जिंदगी में कुछ बन नहीं जाऊंगा, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा, मैं अपने इस घर में कदम नहीं रखूंगा। वो प्रतिज्ञा वतिज्ञा मैं नहीं जानती। देखिए, वो इस शहर में आया है और इस घर में ना आए, कहीं कहीं आपने तो उसे यहाँ आने से मना नहीं किया? मैं क्यों उसको मना करूंगा? जाके आप खुद उससे क्यों नहीं पूछती कि इतने दिन हो गए वो आज तक घर क्यों नहीं आया?
पुलिस स्टेशन के करीब उन्होंने किराए का मकान ले रखा है। क्या? जी हाँ। किराए का मकान? किराए का मकान। आप ये सब कुछ जानते हैं फिर भी खामोश है? चलिए अभी हम उसे लेके आते हैं यहाँ इसी वक्त। मैं नहीं जाऊंगा मैडम, आपका बेटा माना बड़ा जिद्दी है, लेकिन मैं भी कोई मून की टिकिया नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा। उसका बाप हूं मैं, अगर आपको जाना हो तो जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है नो। रवि, रवि माँ, माँ रवि। हाँ माँ, यहां बैठ। कैसी हो माँ? अब पूछ रहा है कैसी हूँ? ए माँ। अच्छा ये तो बता, अपना घर छोड़ के यहाँ किराए के मकान में क्यों रह रहा है? पता है तेरे पिताजी को कितना दुख हुआ है? चल मेरे साथ। कहाँ माँ? अपने घर और कहाँ। माँ तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, हमेशा डैडी की मिसालें दिया करती थी, उनकी राह पे चलना तुम्हीं ने मुझे सिखाया है, और जब मैंने उनके सारे गुण अपना लिए तो मैं इनकी शख्सियत को कैसे भूल सकता हूँ माँ। इसलिए जब तक मैं अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो जाता मैं घर नहीं आऊंगा माँ। वो मैं कुछ नहीं जानती, अब तू चल मेरे साथ घर। माँ मुझे मजबूर मत कर, मैं इस वक्त घर नहीं आ सकता। तो फिर तूने मुझे फोन करके क्यों कहा कि मैं शहर आते ही घर चला आऊंगा? मैंने फोन पर? कब? अप्रैल की पहली तारीख को, भूल गया? माँ मैंने तो फोन नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसने किया होगा। तूने नहीं किया था फोन? नहीं माँ। तो फिर किसने किया था? डैडी के सिवा और कौन हो सकता है? तुम्हारी हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया होगा। डैडी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, औलाद के गम में आकर तुम कोई खतरनाक कदम ना उठा लो, इसीलिए उन्होंने मेरी आवाज में तुम्हें फोन किया होगा। माँ डैडी तुम्हें बहुत चाहते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। हेलो कौन? 20 साल बाद जिस देश में कंका पहती है, जब जब फूल खिले एक कली मुस्काई, पहचान वो कौन थी? ABCDEFG। ए कहीं तू पागलखाने से तो भागे नहीं है? वाकई कामयाबी तुम्हें छूकर पागल हो गई, और मैं वो खबर सुनकर पागल हो गई। कहिए क्या आप इस पगली पर एक नजर डालोगे? तो फिर गौर से सुनो, शहर से 15 किलोमीटर दूर आशिकों का एक क्लब है जहां आशिक छुप छुप कर मिलते हैं। जैसे ही तुम वहां आओगे मैं तुम्हें अपने मद भरी आंखों के प्याले से नशे के ऐसे जाम पिलाऊंगी कि तुम देखते ही रह जाओगे। ओके। भारती ये क्या शरारत है? ये शरारत नहीं जनाब, आपको हमारी याद दिलाने की दवा है। अच्छा तुम हमें ऐसी कड़वी दवा पिलाती रहोगी या अमृत की भी दवा पिलाओगी? अमृत की दवा? ये क्या है? नहीं मालूम, वो देखो उधर। हेलो हेलो होम मिनिस्टर साहब, हम मछली विभाग यानी फिशरीज मिनिस्टर धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। साहब वो इंस्पेक्टर रवि को कोई तबादला बदला नहीं करा, कुछ भी करके हमारे बेटे को बचा ले साहब। मिस्टर धर्मेंद्र मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, वरना सारा इल्जाम मेरे सर पर आ जाएगा। I'm sorry। आप हमारी आप अरे तुम ये पुतले की तरह क्या जम गया? क्या क्या उसने ठेंगा कहा? लानत है, अगर हम मंत्री होकर अपने बेटे को नहीं बचा सकते तो हमने मंत्री होने का फायदा क्या है? अब हम अपने बेटे को कैसे बचाएंगे? अरे तेरे बेटे के साथ मेरा बेटा भी तो फंस गया है, अब मैं किसके पास फरियाद लेकर जाऊं? अब तो इस अंधकार में सब शिरडी के साईं बाबा की इच्छा है। हेलो नमस्ते नमस्ते, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो इधर ही है मुख्यमंत्री। बाथरूम में बुरी हालत है। मैंने तो कह दिया कि तुम यही हो। अरे तेरा सत्यानाश हो, रोज झूठ बोलता, हाँ नहीं बोल सकता। अरे तो पहले बोलना था ना। अरे हाँ जी हाँ जी आ रहे हैं, वो चल चुके हैं। हाँ जी आ गए वो गिर गए जी, वो उठ चुके हैं, बस फोन पकड़ रहे हैं। लो हेलो
हम धर्मनाथ बिबने हम भूसंदर बोल रहे हैं। अरे कामरा नाम का है? अंगूठा छाप नहीं नहीं धर्मेंद्र। हाँ साहब हम धर्मेंद्र बोल रहा हूँ सर। सर सर अरे क्या हुआ तुम्हें? सड़े हुए पुराने पेड़ की तरह गिर क्यों पड़े? अरे क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? वो कहा कि हमने फौरन इस्तीफा नहीं दिया तो हमको डिसमिस करा ही देंगे। सर ये देखिए उस राम प्रसाद ने आपके बारे में क्या लिखा है। क्या लिखा है? भूषणनाथ भड़बोले की मंत्री पदवी गई तू मुख्यमंत्री बनेगा। इस हराम खोर घर पड़ू नालायक को पहले से कैसे पता चल गया कि हमारी गद्दी जाने वाली है? चलो वो तो ठीक है, उसने ये कैसे छाप दिया कि हम मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? ये साला हमारा मजाक उड़ाता है, हमारी बेइज्जती खराब करता है, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो तुम बाहर जाओ जी। देखो भूषणनाथ, अगर राम प्रसाद जैसा इंटेलिजेंट और अकलमंद एडिटर इस तरह की कोई खबर छापता है तो जरूर उस खबर के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। हम फौरन उसके पास जाकर मामले का पता चलाते हैं, पहले उसके हाथ जोड़ेंगे और अगर नहीं माना तो उसके हाथ तोड़ेंगे। भूषणनाथ तुम, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। तुम क्या चाहते का कि हम मंत्री की जगह फिर वही पुराने भूषणनाथ बड़बोले अंगूठा छाप बन के रह जाएं? हैं? हम अपनी गद्दी के चले जाने के गम में, अपने बेटे के पकड़े जाने के दुख में आंसू बहा रहा हूँ तो तुमको ये बकवास छापने की क्या जरूरत है कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा? अरे काहे को जखम के कटोरे में नमक पीस रहा है रे? भूषणनाथ तुम्हारी तकदीर का सितारा इतनी जोरों से चमक रहा है कि मुझे लिखना ही पड़ेगा। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। अरे जाने से क्या होता है, और इस अंगूठा छाप को छोड़ो, कल को मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा तो बन जाऊंगा क्या? देखो बड़बोले, अगर गद्दी छिन गई तो सड़क पे आ जाओगे उस जादूगर की तरह जो हाथ की सफाई दिखाकर पैसे कमाता हो और उसके हाथ कटवा दिए जाएं। अगर अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो मुख्यमंत्री बनना ही पड़ेगा। मगर कैसे? तुम्हारे मन में का खिचड़ी पकड़ी है, हमरे ऊपर उल्टी कर दो ना। इतने भोले मत बनो भूषणनाथ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं कि तुम किस चीज के बने हो। वैसे दिखने में तो तुम आदमी हो मगर वक्त पड़ने पर बदला लेने के लिए जहरीले नाक की तरह डस भी सकते हो। अब भूषणनाथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंत्री की गद्दी छीनने के बाद आंसू बहा रहे हैं। बहुत से ऐसे एमएलए भी हैं जिनके हाथों में पावर नहीं, इसलिए अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे हैं। तुम उन्हें इकट्ठा कर सकते हो, खरीद सकते हो। अरे मगर वो कोई टमाटर बैंगन मूली थोड़ी जो खरीद सकते हैं, एमएलए हैं, उनको खरीदने के लिए इतना पैसा कहाँ हमारे पास? उस वक्त तुम्हारे पास क्या था जब तुम मंत्री बने थे? अरे इतने लोग तुम्हारे पीछे हैं, सब तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएंगे। दारू का धंधा करने वाले जी खोल के तुम्हें पैसा देंगे, काला बाजार करने वाले काला धन तुम पे लुटा देंगे, और ऐसे बहुत से एमएलए हैं जो राजनीति की मार्केट में बिकने को तैयार खड़े हैं, उन सबको तुम खरीद सकते हो। फिर उनके अंदर धर्म और जात पात का भेदभाव पैदा करके उनके टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, जिलों के आधार पर फूट डाल सकते हो, तुम कल इस्तीफा दे सकते हो, परसों पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, नरसों मुख्यमंत्री बनकर सोने के सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। सुनो, हम जो कहा वो याद है ना? याद है। तुम सब हमको सपोर्ट करना, हम जैसे ही मुख्यमंत्री बनूंगा तुम सबको मंत्री बना दूंगा। धन्यवाद। चलो हम राजधानी जा रहा हूँ। अरे मंत्री जी, काहे आपके बैग की तलाशी लेनी? तलाशी काहे के, किस लिए? अरे ये मछली विभाग के मंत्री हैं, जानते हो? जानता हूँ, लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि इस बैग में एक बम है, और अगर बम निकाले बिना इन्हें जाने दिया तो हवाई जहाज ब्लास्ट हो सकता है। अरे मगर हमारे बैग में बम कैसे हो सकता है? हम अपने हाथ से तो सामान भरा है इसमें। अगर आपके बैग में बम नहीं है तो इसको खोलने में इतराज क्यों? नहीं नहीं खोलूंगा। नहीं, देखो तुम लोग ऐसे चिल्लाओगे तो हम प्लेन में नहीं बैठेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे।
घर जाने से पहले अगर एयरपोर्ट पर धमाका हो गया तो ये सब क्या है? अरे ठहरिए अंगूठा छाप लीडर, तुम नोटों से एमएलए खरीद के मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? मगर ये मुख्यमंत्री बनने का आइडिया तुम ही तो दिया था। ये हम दोनों की चाल थी जी, इतना बड़ा धोखा। मगर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हम एमएलए खरीदने जा रहे थे नोट देकर? एमएलए को खरीदने की जो बातें तुमने टेलीफोन पे की वो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। सुनाए? नहीं नहीं, जरूरत नहीं। और ये जो आदमी तुम्हारे पीछे खड़े है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसर है। मिस्टर भूषण, यू अंडर अरेस्ट। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं तुमको मुबारकबाद देने आया हूं। मंत्री को तुमने रंगे हाथों पकड़ा, उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई। कांग्रेचुलेशन जी, कोई आसान काम नहीं था। थैंक यू सर। मैंने मंत्री को कानून के तहत गिरफ्तार किया, उसे हथकड़ी पहनाकर जेल की सलाखों के पीछे बंद किया। लेकिन यह काम मैंने इंतकाम या बदला लेने की भावना से नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर की हैसियत से किया है सर। लाखों देशवासियों ने इस पे विश्वास करके इसे अपना मंत्री चुना है सर, लेकिन मैंने इसे एक गुनहगार, एक मुजरिम साबित कर दिया। इसके पीछे इंतकाम या बदले की भावना नहीं है सर, बल्कि एक कानून के अफसर का फर्ज है। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और गौरव की बात है सर कि कलेक्टर साहब, जो कानून के इतने बड़े अफसर हैं, यहां खुद आकर मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, और वो भी जाति रिश्तों की भावनाओं से नहीं, बल्कि कानूनी अफसर की हैसियत से। यह मिनिस्टर की फाइल है सर। सॉरी सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सुनते हैं, आपने रवि की तस्वीर छपी है अखबार में। मंत्री का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है उसने। ये खबर आपको तो पहले ही मिल गई होगी ना? हाँ, मिल गई थी। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया आपने? देखिए, रवि ने तो अपना मकसद पूरा कर दिया। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। खुद से तो वो आएगा नहीं, बाप बेटा जिद में दोनों बराबर के हैं। प्लीज आप उसे जाके मना के ले आइए ना। मैंने कब मना किया उसे यहाँ आने से? अगर वो यहाँ आएगा तो मुझे तो खुशी होगी, लेकिन लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि मैं जाकर उसको आने का निमंत्रण दूं, न्योता दूं, उसको उसकी मिन्नत समाजित करूं, तो मैं पहले ही कह चुका हूं ये बिल्कुल नामुमकिन है। देखिए, आप अगर एक बार उसे यहाँ बुलाएंगे तो उसकी मजाल नहीं कि वो ना कर जाए। आखिर बेटा है आपका। करेक्ट, बेटा है। बेटा है, बाप नहीं है। बाप मैं हूं। जिंदगी की लाख सीढ़ियां चढ़ के वो तरक्की के किसी ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए, मेरा आशीर्वाद है उसके साथ। लेकिन उस मकाम पर जहां मैं खड़ा हुआ हूं, एक जीना उतरने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आहा, अगर ऐसी ही बात है तो फिर एक कलेक्टर एक मामूली इंस्पेक्टर को मुबारकबाद देने पुलिस स्टेशन क्यों गया था? रवि के लिए आपके दिल में जो प्यार है, वो आप मुझसे छुपाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या आप उसे प्यार नहीं करते? क्या आपका दिल उसके लिए तड़पता नहीं? लाख पर्दा डालिए, मैं आपके चेहरे की किताब अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ। मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज विनती करती हूँ, मेरे बेटे को यहाँ बुला दीजिए। हेलो इंस्पेक्टर रवि स्पीकिंग। हेलो बेटे रवि। हेलो इंस्पेक्टर,
दिस इज कलेक्टर जगत प्रताप सिंह स्पीकिंग। हेलो डैडी। नमस्ते सर। नमस्ते इंस्पेक्टर, तुम हमारे घर आ सकोगे? आपके घर सर? क्यों, तुम चाहते हो कि कलेक्टर तुम्हारे घर आए? नहीं नहीं सर, मैं अभी आता हूँ। थैंक यू। इंस्पेक्टर जिससे तुम मिलना चाहती थी। इंस्पेक्टर, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पत्नी है। अखबार में तुम्हारे कारनामे पढ़ के बड़े खुश हुए कि कानून को एक और अच्छा अफसर मिला। इनसे मिलो। गुड इवनिंग मैडम। बेटे, मैंने अखबार में पढ़ा था कि तुम एक बासूल और सख्त इंसाफ पसंद ऑफिसर हो, मेरी एक मदद कर सकोगे? हुक्म कीजिए मैडम। इस घर से हमारी एक बहुत कीमती चीज खो गई है। खोकर ज्यादा दिन तो नहीं हुए, लेकिन ऐसा लगता है सदियां बीत गई। क्या है वो चीज मैडम, और कहां रखी थी? पहले तो वो मेरी गोद में रहा करती थी, फिर रेंगते रेंगते झूले में चली गई, और उसके बाद उछलकर इनकी कांधों पर चढ़ना सीखा उसने, और आज वो हमारे सामने है। हम हाथ बढ़ाकर उसे छू सकते हैं, फिर भी वो हमसे बहुत दूर है। क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? आपको किसी पे शक है मैडम? शक? शक नहीं, शिकायत है। पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं, उसके खो जाने का कारण ये है। सर की वजह से वो चीज खो गई? ये कैसे हो सकता है मैडम? सर के कारण तो वो चीज आपके दामन में आई थी। हाँ, लेकिन उसके बाद अपने असूल और अधिकार के नाम पर इन्होंने वो चीज मुझसे छीन ली। नहीं मैडम, अगर वाकई सर के कारण वो चीज आपकी खो गई है तो सर उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे और आपके हवाले कर देंगे। बंद करो ये नाटक, ये सब क्या आंख मिचोली खेल रहे हैं आप लोग? भैया, क्या ये तुम्हारे मम्मी डैडी नहीं जो मैडम मैडम सर सर कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं? तुम मेरे भैया नहीं? नहीं, अभी नहीं। अभी सर ने मुझे ड्यूटी पर बुलाया है। आज मुझे मंत्री को जमानत पर छोड़ देना पड़ा, और जब तक उसको उसके किए की सजा नहीं मिल जाती, ना मैं किसी का हूं और ना मेरा कोई है। मैं सिर्फ एक पुलिस अफसर हूं और कुछ नहीं। सर, मैं इजाजत चाहूंगा। जनाब, आप तो बड़े चालाक निकले, अपने मम्मी डैडी को जज्बात के आंचल में लपेट लिया। तुम भी कम नहीं हो, तुमने भी तो अपने प्यार के आंचल में लपेट लिया है मुझे। अरे हम ऐसे ही थोड़ी मर मिटे हैं तुम पर, तुम में कुछ खास बात है। क्या खास बात? उनकी तरह मैं भी तो एक सीधी साधी लड़की हूँ। अरे औरों से तुम्हारा क्या मुकाबला, तुम्हारी हर अदा दिल फरेब है, तुम्हारे बात करने के अंदाज में एक लचक है, तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारे होंठ। रेश इंस्पेक्टर से तो वो शाला कलेक्टर अच्छा था। ये तो जमानत के लिए 50 शर्तें रख रहा है कि रोज पुलिस स्टेशन आकर हाजिरी देनी होगी, शहर छोड़कर जा नहीं सकते। थू थू थू। हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे हम छोटे मोटे चोर उचक्के और पॉकेट मार हो। अरे मगर मैं तुम्हारे सामने काय को दुखड़ा रो रहा हूँ, तुम्हारी तो खुद मंत्री की सीट चली गई है। अरे काय को सीट की याद दिला दिलाकर हमारे कलेजे को कबाब बना रहे हो यार। सत्यानुसारे राम प्रसाद का दिखाया शक्कर खिलाया जहर,
पैसा गया, इज्जत गई, गद्दी गई, मुंह अलग काला हुआ। हमको तो ये सब कलेक्टर के उसके बेटे की चाल लगती है, मगर हम कर भी का सकते हैं। ठेंगा कमाल के डैश है, आप लोग यहाँ आराम से बैठे, वहां मेरी फांसी की तैयारियां हो रही हैं। अरे बिठुआ, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं जेल तोड़ कर आया हूँ। आप भी अजीब डैश है, उन लोगों ने आपको गद्दी से उठाकर जमीन पर पटक दिया और आप यहाँ बैठे धूल चाट रहे। मैं बोलता हूँ वो लोग आपको भी अंदर कर देंगे। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, मैं उन लोगों को अपनी टैच से खत्म कर दूंगा। अरे साहब बस, हमको राम प्रसाद कलेक्टर और रवि से बदला लेना है, तब जाकर हमारे कलेजे की भट्टे की आग ठंडी होगी। ओके प्रकाश, एक काम कर, तू जाकर राम प्रसाद को उठा ला और मैं उस रवि के बच्चे को देख लेता हूँ। क्यों आए आप लोग? राम प्रसाद कहाँ है? वो घर में नहीं है। अच्छा, वो घर में नहीं है, ठीक है हम तुम्हें ले जाते हैं, वो अपने आप तुम्हें ढूंढता हुआ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं इंस्पेक्टर की बहन बोल रही हूँ, रवि भैया वहाँ हैं? नहीं वो बाहर गए। देखिए कब्जा कन्हैया लाल का लड़का भारती को जबरदस्ती उठाकर ले गया है, आप ये खबर भैया तक पहुँचा दीजिए। जी हाँ। हेलो पापा, मैं ज्योति बोल रही हूँ, कब्जा कन्हैया लाल का बेटा प्रकाश भारती को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में ले गया है। हा? तुम कहाँ से बोल रही हो? पापा मुझे कोई खतरा नहीं, आप भारती को जाकर बचा लीजिए। गाड़ी का कुछ नंबर उम्बर बता सकोगी तुम? गाड़ी का नंबर है UPU 8133। अच्छा बेटी तुम चिंता न करो, तुम घर चलो, मैं अभी निकला यहाँ से। अपना फर्ज पूरा करो।
डॉक्टर ने मेरे बेटे का खून कर दिया। क्या? इन्होंने खून कर दिया? जी हाँ, और रवि बेटे ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया। कैलाश किसी हालत में इस शहर से बाहर नहीं जाने पाए। चारों तरफ पहरा सख्त करवा दो और अखबार में उसकी तस्वीर छपवा दो, समझे? सपने में भी नहीं सोच सकती थी ऐसा होगा। माँ? माँ किसे कहते हैं इंस्पेक्टर साहब? पिता की इज्जत क्या होती है ये शायद तुम नहीं जानते। जो भी हुआ है लक्ष्मी, उसमें रवि का कोई कसूर नहीं। सुना सुना, तूने सलाखों के पीछे खड़े होकर भी यही कह रहे हैं कि तेरा कोई कसूर नहीं है, सुना? और ऐसे देवता स्वरूप इंसान को तूने मुजरिमों की कोठरी में बंद कर दिया। धिक्कार है तुझ पर। माँ, इनसे पूछा तूने वो जुर्म इनसे क्यों हुआ? अरे ना शुक्रे, तेरी प्रेमिका, तेरी होने वाली पत्नी की आबरू बचाई है इन्होंने, जिसका ये इनाम दिया तूने। और एक उपकार ऐसा भगन पर भी कर, जिंदगी में हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। इन्हें यहाँ रखा है तो मुझे भी इनके साथ रहने दे। मैं मजबूर हूँ माँ। हाँ, तू बेगुनाह को यहाँ नहीं रख सकता ना। ठीक है, मैं करती हूँ गुनाह, मैं करती हूँ गुनाह। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? आखिर तुम्हारा बेटा है वो। अगर उसके लिए आप बाप नहीं है तो मेरा वो बेटा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा। भैया, ज्योति, माँ बहुत गुस्से में है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। की जमानत मंजूर हो गई है, आइए। क्या बात है, क्या हो रहा है यहां? सब खत्म हो गया मालिक। क्या कह रहा है ये? डैडी, ज्योति अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, गलत है ये, गलत है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सच है डैडी? नहीं नहीं नहीं, आप लोग। ये तो सो गई, सो गई है। बाप और भाई दोनों को साथ देखने की हसरत लेकर चली गई।
साथ देखने की हसरत लेकर चली गई। देखो देखो ये मासूम चेहरा, देखो ना। आप लोगों की जिद ने मेरे बच्चे की जान ले ली। मैं पूछती हूँ अब कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है जो मुझे मेरी बच्ची वापस दे सकता है? बोलो। ये उम्र इसकी डोली उठने की थी, लेकिन आज आज इस घर से इसकी अर्थी उठेगी। मैंने तो इसे रुखसत कर दिया है। ले जाए, ले जाए, ले जाए। जल्दी पैसा समेट और यहां से निकल चलो। मुझे मना करते थे, आज आपने भी कानून को अपने हाथों में ले लिया। ठीक कहते हो रवि, कानून और इंसाफ इंसानों के लिए बना है, लेकिन ये सब दरिंदे हैं, इनका फैसला सिर्फ बारूद की गोली ही करेगी।
पुर्जा के देखो। मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज कलेक्टर साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इन सबको गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर। रवि, आज तक हम बाप बेटों के रास्ते अलग अलग थे, उसूल अपने अपने थे, कानून अपना अपना था, लेकिन ये कानून और इंसाफ का संगम है जिस पे हम तुम आज मिल रहे हैं। मुझे आज तुम पे फख्र है रवि, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। अदालत ने कैलाश को सत्यम और ज्योति के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत दी। एक्स मिनिस्टर भूषण नाथ बड़बोले को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा मिली। कानून के रखवाले कलेक्टर जगत प्रताप सिंह को बाइज्जत रिहा किया गया और कानून को अपनाने और बरकरार रखने के लिए
अदालत ने खास तौर पर इंस्पेक्टर रवि को उसकी हिम्मत, मेहनत और फर्ज निभाने के लिए मुबारकबाद दी।